सबसे पहले जो डेफिनेशन आपकी बेटा वो है डायरेक्टिव लाइन सेगमेंट। क्या है डायरेक्टिव लाइन सेगमेंट? सबसे पहले डायरेक्टिव लाइन सेगमेंट के बारे में बता रहे हैं। क्या होता है डायरेक्टिव लाइन सेगमेंट? ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डायरेक्टिव लाइन सेगमेंट। If we are able to distinguish these points as initial point and terminal point, क्या कह रहा है देखो, अगर स्ट्रेट लाइन है कोई भी हमारे पास, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे क्या कह रहा है ना कि इस स्ट्रेट लाइन का दो गिवन पॉइंट के बीच का जो भी पोर्शन होगा ना, मान लिया एक पॉइंट मैंने ले लिया ये ए, एक पॉइंट ले लिया बी, आप कहीं पे भी ले सकते हो स्ट्रेट लाइन में, कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो आप ए और बी, ठीक है, ये गिवन पॉइंट होंगे आपके पास और इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होगा ना, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए से बी तक, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। डायरेक्टेड क्यों बोल रहे थे, लाइन सेगमेंट तो हो गया, लाइन सेगमेंट तो यही होता है ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन यही है, ठीक है, मैंने इसमें एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ये दो पॉइंट के बीच का जो ये पोर्शन है ना, ये इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ये लाइन सेगमेंट है। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, डायरेक्टेड दे रखा है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं ना, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होगा, इसकी डायरेक्शन बी देखनी होगी हमें, जैसे यहाँ पे है ए टू बी, ए टू बी है ना, तो डायरेक्शन ये होगी ए टू बी, ये वाले डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए ये इसने बोल दिया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना ए से बी तक, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये डायरेक्शन है ए टू बी, तो ए क्या होगा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, ए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट। ये है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है, हमने क्या किया है, वी टेक ए एज द इनिशियल पॉइंट एंड बी एज द टर्मिनल पॉइंट, देन वी से दैट द स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम, कहां से वहां तक है, ए टू बी, क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट और बी टर्मिनल पॉइंट है, तो ए टू बी हुआ ना, एंड राइट इट एज, और हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, लिखेंगे ए बी और ये एरो लगा दिया, ठीक है। इस चीज से आप क्या समझोगे, अगर ये लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में भी जो ये ए टू ए बी पर एरो है ना, तो इसका मतलब ए इनिशियल पॉइंट रहा होगा और बी टर्मिनल पॉइंट रहा होगा। एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है आपके पास, उस स्ट्रेट लाइन पे ए इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट, और उन दोनों के बीच का ए टू बी जो आपके पास लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। एसोसिएटेड विद द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वी हैव इट्स, देखो क्या क्या हो सकता है, एक तो इसकी लेंथ है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो किस किस से एसोसिएटेड होता है, लेंथ, दूसरा स्पोर्ट, और तीसरा सेंस, ठीक है। लेंथ का क्या मतलब होगा, लेंथ ऑफ ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट बी, एंड इज डिनोटेड बाय, इसका जो सिंबल होता है लेंथ का, देखो लेंथ वो होता है बच्चों ये, अगर आपके पास इस तरह से कोई नोटेशन है, जैसे मैंने ये लिख दिया है, ये लिख दिया, तो इसका क्या मतलब समझोगे कि कोई एक स्ट्रेट लाइन आपके पास कोई भी, उसमें एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है आपके पास, सी इनिशियल पॉइंट, डी टर्मिनल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये डायरेक्शन आप, ठीक है, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। बट ये अगर सिंबल है आपके पास, तो इसका मतलब है कि ये उसकी लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, और लेंथ क्या हो जाएगी, सी से डी तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हो गई, ठीक है, क्लियर यादव। उसके बाद सेकंड जो कह रहा है स्पोर्ट,
स्पोर्ट का क्या मतलब होता है, स्पोर्ट इज द अनलिमिटेड लाइन ऑफ विच द डायरेक्टेड लाइन इज ए पोर्शन। तो जो लाइन देखो ये लाइन है, जैसे ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन तो पूरी है ना, इधर से है ना, ये मान लिया एल है, तो स्पोर्ट क्या हो जाएगा, स्पोर्ट इज द अनलिमिटेड लाइन, जैसे ये लाइन है स्ट्रेट लाइन अनलिमिटेड है ना, ऑफ विच द डायरेक्टेड लाइन इज ए पोर्शन, जिसका कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक पोर्शन है, इस स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है, इस एल का ये पोर्शन है ना, तो एल क्या हो जाएगा, स्पोर्ट हो जाएगा ऑफ किसका, ए बी, ठीक है। सेकंड आपके पास कह रहा है एल इज द स्पोर्ट ऑफ ए बी, ए बी क्या है आपके पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, इस स्ट्रेट लाइन का एक पोर्शन है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक डायरेक्शन ये, ठीक है, ये कह रहा है, तो स्पोर्ट क्या हो जाएगा इसका, जो स्ट्रेट लाइन है वो। थर्ड है सेंस, सेंस ऑफ ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, या फिर क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, ये मैं बता ही चुकी हूँ है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी सेंस क्या, कैसे बताओगे, सेंस क्या है इसकी, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो भी डेफिनेशन वगैरह थी वो मैंने बता दी है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, आ गया समझ, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों स्केलर एंड वेक्टर, उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है स्केलर एंड वेक्टर। देखो अब ये वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है ना, तो वेक्टर कैलकुलस में तो वेक्टर ही चलना है हर जगह, या कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, तो वो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये स्केलर किसको कह रहा है और वेक्टर किसको कह रहा है ना, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो स्केलर क्या होता है बच्चों, वैसे आप ये फिजिक्स में पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से फर्स्ट सेम में, स्केलर होता है क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, ठीक है, जिसके पास वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले सकते हो आप लेंथ है, लेंथ स्पीड टेम्परेचर है ना, बहुत सारे एरिया एनर्जी, कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, तो स्केलर का क्या एग्जाम्पल आपके पास, स्केलर मतलब आपके पास क्या हो, सिर्फ वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन की बात नहीं हो रही वहां पे, है ना। तो यहाँ पे जैसे लेंथ हमने निकाली, तो लेंथ में कोई डायरेक्शन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, लेंथ तो आप ए टू बी यही लाइन रहनी है, बी टू ए निकाल लो या ए टू बी निकाल लो, लेंथ तो वही रहनी है ना। तो यहाँ से स्केलर में क्या आ जाएगा, अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँगी, लेंथ है दो चार एग्जाम्पल लिख दो, एरिया है, टेम्परेचर है, मास है और वॉल्यूम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास एक्स्ट्रा, ठीक है। और एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, डेंसिटी, ठीक है, टाइम, स्पीड लिख सकते हो आप ये भी एग्जाम्पल। तो ये थी स्केलर की डेफिनेशन, ठीक है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड नो डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसके एग्जाम्पल्स कुछ जो ये मैंने बता दिए हैं, इनके अलावा और भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों वेक्टर, वेक्टर की डेफिनेशन आती है नेक्स्ट। वेक्टर क्या होता है, ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। तो वेक्टर किसको कहेंगे, कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, है ना, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो देखो जैसे मैं बात करूँ, मुझे एक दरवाज़ा, मान लिया ये दरवाज़ा है आपका, ठीक है, ये दरवाज़ा मुझे खोलना है, तो खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इधर वाले को अगर आप पुश करोगे तो नहीं खुलेगा ना, नहीं खुलेगा, आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन डिपेंड कर रही है ना, आपने अगर इस डायरेक्शन में लगाया
तो नहीं खुलेगा ये वाला। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करोगे, पुल करोगे ना, तो ये दरवाजा खुल जाएगा। पुल करोगे तो मतलब फोर्स तो आपने यहाँ पे भी लगाया है, लेकिन डायरेक्शन मैटर कर रही है। डायरेक्शन अगर आपने ये डायरेक्शन ली तो नहीं खुलेगा, और ये डायरेक्शन ली तो खुल जाएगा, है ना। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही है, मतलब डायरेक्शन भी अगर उसकी ये पता चल रहा है हमें कि ये डायरेक्शन लेनी है हमें, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फोर्स ये अभी फोर्स का ही दिया है मैंने एग्जांपल, फोर्स है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, या फिर अगर और मैनुअल लाइफ एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, वो एक गड्ढे में गई, तो उसको अगर बाहर निकालना है आपको, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करो कि वो उस गड्ढे से बाहर आ जाए, है ना। ये तो नहीं है ना कि आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे, ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। और अगर एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन, क्या क्या लिख सकते हो आप वेक्टर क्वांटिटी के जो एग्जाम्पल है वो फोर्स मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो होगा, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। ये है बेटा जो हमने बेसिक डेफिनेशन की है। सबसे पहले डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास कोई भी, उसका एक पोर्शन होता है जिसमें इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट डायरेक्शन होती है हमारी, ठीक है। और उसकी तीन चीजें मेन है, लेंथ, लेंथ कैसे निकालते हैं, उन दोनों के बीच का जो पोर्शन रहेगा वो देख लो आप, उसको बोलते हैं हम लेंथ, जो लेंथ होगी ना इन दोनों के बीच की, उसी को हम लेंथ बोलते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट, स्पोर्ट क्या होता है, अगर हमारे पास ये डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है ना, तो ये जिस स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है, जिस अनलिमिटेड लाइन का पोर्शन है, ये यहाँ पे एल है, तो एल क्या हो गया, एल इज द स्पोर्ट ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। फिर थर्ड सेंस, सेंस की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक इसकी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल, ये होता है आपके पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या होता है, ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, उसको हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल मैंने लिख दी है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, और भी लिख सकते हो आप। फिर आती है वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि एक वो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल फोर्स मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये था बेटा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को हम कैसे, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या है। देखो वेक्टर के बारे में भी मैंने बताया, वो क्वांटिटी जो जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन उसी को बोल रहे हैं वेक्टर। तो यहां से अगर मैं, इट कैन बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसको हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ये है, इसके पास डायरेक्शन भी है, सेंस बताई ना मैंने, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, तो डायरेक्शन भी और साथ में मैग्नीट्यूड भी है ना। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मतलब किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इससे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। डायरेक्टेड सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट ए वेक्टर व्हिच लेंथ इज, जिसकी लेंथ कितनी है, ए बी, एंड डायरेक्शन क्या है उसकी, फ्रॉम ए टू बी, यही है बच्चों। या फिर अगर मैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बी ए, अगर मैं ये लिख रही हूँ कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जैसे ए सी डी लिख दिया मैंने, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ये लिख दिया मैंने सी डी, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, क्या समझोगे यहाँ से आप, कि ये जो है ना, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है,
क्योंकि इसके पास लैटिट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, ठीक है। लेंथ तो क्या होगी इसकी, सी डी, और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम सी टू डी। किसी भी स्ट्रेट लाइन का वो पोर्शन सी से डी तक का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम सी टू डी। ये है आपके पास। या फिर हम देखो ये भी तो कह सकते हैं ना, अभी मैंने बताया कि ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये वेक्टर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, नोटेशन की बात आती है बेटा। ए वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सच एज ए बी और बाय ए सिंगल स्मॉल लेटर विद एन एरो। कैसे डिनोट करते हैं किसी भी वेक्टर को, ये जो नोटेशन होती है ना, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, जो नोटेशन होती है वेक्टर की वो होती है बच्चों ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। या फिर कई बार बोल्ड लेटर से भी डिनोट कर देते हैं, जैसे कि किसी बुक में ऐसे भी मिल सकता है आपको इस तरह से, ठीक है। ये वेक्टर के लिए ये नोटेशन यूज की जाती है। उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, किसी भी वेक्टर का, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए बी लाइन सेगमेंट इसका, ये भी तो वेक्टर ही है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे हम तो इज द लेंथ मेजर्ड बिटवीन ए टू बी, जो ए से बी तक की लेंथ होगी ना, ए से बी तक की लेंथ, उसको क्या बोल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करेंगे, ये अब अगर एक चीज मैं पूछूं आपसे कि एक मेरे पास है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये है सी, ये पॉइंट है डी, और ये सी इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये डी इसका टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, और डायरेक्शन सी टू डी ये, ठीक है। तो ये एक लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया सी डी। कैसे भी नोट कर सकती हूँ, सी डी वेक्टर भी है ये, है ना। एक मैं ले लूँ बच्चों बी सी, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, क्या कहना चाहोगे मैग्नीट्यूड के बारे में, सी डी और डी सी का मैग्नीट्यूड बता दो एक बार। सेम आएगा ना, हाँ सेम क्यों आएगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सीडी, अगर इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड है जो ये डिस्टेंस है ना सी से डी तक वो, तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे डी से सी तक वो भी तो वही रहेगी, है ना। मान लिया एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है, मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रही हूँ, ठीक है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगी वो भी डिस्टेंस वही रहना है, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन तो सी से डी तक, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डी से सी। क्लियर यहाँ तक? फिर आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट है नल वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर, फिर इक्वल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ये सब तो आ गया समझ, टाइप ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट है आपके पास नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जिसको कहेंगे, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो उसको हम क्या बोल देंगे, नल या जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड जीरो कब आएगा, है ना, एक ही पॉइंट होगा कोई भी, मतलब जैसे हमने ये ए और बी लिया था, एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट में ये लिया था,
ये पॉइंट था ए, ये है बी, है ना। तो ये मैंने लिया बी ए, यही लिया है ना, बी से ए तक की डिस्टेंस। अब मैं कह रही हूँ टाइप ऑफ वेक्टर्स में नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, ये है फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, ये डेफिनेशन है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है इसका, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए यही है, डिनोट कैसे करेंगे, यही ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने। अब ये मैग्नीट्यूड जीरो कब आएगा, जब दोनों के दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, है ना, डिस्टेंस जीरो हो जाए। मतलब अगर एक पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट भी बी यहाँ पे ना हो के कोइंसाइड करते हैं, यही पे होना चाहिए, वो वेक्टर होगा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। मतलब एक पॉइंट ये मैं कह दूं, ये एक पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ए पॉइंट तक ही जो वेक्टर है आपके पास, जैसे ए ए, ये ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है ना, ए से ए तक की डिस्टेंस तो जीरो है। तो ये वेक्टर कैसा हो गया, नल वेक्टर। ये डेफिनेशन थी आपके पास नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर की। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी, वन, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप से, हम डिनोट करते हैं उसको, रीड करते हैं ए कैप से, एंड ए कैप होता है ए ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देखो जो आपके पास यूनिट वेक्टर है, सेकेंड आता है यूनिट वेक्टर, यही आपके पास यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी, हाँ। और यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे हम, मान लिया ए यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर है तो ए कैप से डिनोट करते हैं, रीड कैसे करेंगे, ए कैप, और ए कैप किसके इक्वल होता है बच्चों, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की तो डेफिनेशन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो सीधी सी बात है इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वन आ जाए, ठीक है, लिखना चाहो ये ऑब्वियस है। उसके बाद आता है इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव क्या होना चाहिए, सेम लेंथ। इक्वल कब बोलेंगे, दो वेक्टर्स को इक्वल तब कहेंगे जब दोनों की लेंथ सेम हो, सेकंड दोनों पैरेलल स्पोर्ट हो, मतलब स्पोर्ट सेम और पैरेलल स्पोर्ट का मतलब क्या बच्चों, स्पोर्ट किसको बोलते थे, जो इनफाइनाइट लाइन होती थी हमारे पास, जो स्ट्रेट लाइन थी जिसका कि पोर्शन होता था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना, फ्रॉम ए टू बी, उसी को तो स्पोर्ट बोलते थे। अगर आपको तो एक लाइन ये थर्ड है क्या, इक्वल ये तो क्या क्या है, मान लिया एक है एल वन, दूसरा जो स्पोर्ट होगा ना वो इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल ये मान लिया है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है इन पे जो दो वेक्टर्स होंगे उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, फर्स्ट तो दोनों की डिस्टेंस सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो और पैरेलल स्पोर्ट, पैरेलल या फिर सेम भी हो सकता है, सेम किस केस में होगा, मान लिया यही स्पोर्ट है दोनों का तो इक्वल कब हो सकते हैं, ये ए टू बी, या फिर इसको मैं स्मॉल ए से नोट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर सेम स्पोर्ट है तो यही हो गया एल वन,
तो उस केस में तो इक्वल यही हो जाएगा, बस ए ए के इक्वल होगा। बट अगर पैरेलल स्पोर्ट है इसके पैरेलल, तो डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, है ना, डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए उस वेक्टर की और इसके पैरेलल स्पोर्ट होना चाहिए, ये मान लिया ये डायरेक्शन, डायरेक्शन भी दोनों की सेम होनी चाहिए। तीन चीजें हैं इक्वल कब बोलेंगे हम, फर्स्ट सेम लेंथ हो दोनों वेक्टर्स की, सेकंड सेम या फिर पैरेलल स्पोर्ट होना चाहिए, और थर्ड क्या है, डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की सेम होनी चाहिए। तो उस केस में हम दोनों वेक्टर्स को क्या कह देंगे, इक्वल वेक्टर्स। फिर उसके बाद आता है कोइनिशियल वेक्टर्स। अच्छा इक्वल वेक्टर बोल दिया तो इक्वल वेक्टर में क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन सेम है और स्पोर्ट सेम है या फिर पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू, इक्वल बोल रहे ना, डेफिनेशन से ही क्लियर है। उसके बाद आता है कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स किसको बोलते हैं हम, ऑल वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। जैसा कि जो ये कोइनिशियल इसी में है, कोइनिशियल इनिशियल जो पॉइंट है वो सेम है सबका, तो जो ओ ए ओ बी ओ सी आर कोइनिशियल एज दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। ओ अगर ये है, ये ओ पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो एक वेक्टर लेना चाहती हूँ मैं, ये ले लिया, ये ए है तो ओ ए, अब दूसरा वेक्टर मैं इस तरह से लूँ कि उसका भी इनिशियल पॉइंट क्या हो आपके पास, यही ओ ई, तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। एक और वेक्टर अगर मैं लेना चाहूँ बट इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओ ई हो, और वेक्टर लेना चाहूँ ये लो, ये डी ले लिया, तो ये सारे वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, क्या हो जाएंगे बच्चों, को इनिशियल वेक्टर्स। किसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, जिस जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो आपके पास, जैसे यहाँ पे है, कौन कौन से हैं, एक तो ये है ओ ए, एक वेक्टर तो ये है ओ ए, दूसरा क्या है ओ बी, फिर क्या लिया हमने ओ सी और ओ डी, ये चारों के चारों कैसे हैं आपके पास वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। आ गया समझ। नेक्स्ट है आपके पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शंस। दो वेक्टर है आपके पास जिनको कि हम लाइक और अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। लाइक कब बोलेंगे, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन आपके पास सेम है तो लाइक बोल देंगे, है ना, लाइक वेक्टर्स। और अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या बोल देंगे बच्चों, अनलाइक वेक्टर्स। अगर मैं बात करूं इक्वल वेक्टर्स की तो वो कैसे होंगे, अगर मैं इक्वल वेक्टर्स की बात कर रही हूँ तो वो लाइक वेक्टर होंगे या अनलाइक वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर की बात की मैंने, लाइक होंगे, है ना, क्यों होंगे बच्चों लाइक, क्योंकि लाइक की मैंने अभी भी बताया, क्या बताइए मैंने डेफिनेशन लाइक वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों की, है ना, दो वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स तब कहेंगे जब दोनों की डायरेक्शन सेम है आपके पास। तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स में, इक्वल वेक्टर्स की तो डेफिनेशन में यही था कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट यही तो था, सेम डायरेक्शन, है ना, फर्स्ट था सेम लेंथ, सेकेंड था सेम और पैरेलल स्पोर्ट, और थर्ड था कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर डायरेक्शन सेम है, सेम होते ही क्या हो गया है, लाइक वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर है तो लाइक वेक्टर हो गए। बट अगर मैं आपको कह रही हूँ कि दो लाइक वेक्टर्स हैं तो क्या वो इक्वल हो सकते हैं, क्या वो इक्वल ही होंगे, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, क्या वो इक्वल ही होंगे या फिर इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, इक्वल हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि होंगे, है ना, इक्वल होंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो ये ले लिया मैंने एल, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए,
ये डायरेक्शन है, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया ये ओ ले लिया, एक ले लिया ये बी, डायरेक्शन ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो वेक्टर लिए, कौन कौन से, ओ ए एंड ओ बी, ये दो वेक्टर लिए बच्चों। सबसे पहले लाइट वेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। लाइट वेक्टर हम किसको कह रहे थे, उन दो वेक्टर्स को जिनकी डायरेक्शन क्या हो आपके पास सेम। तो यहाँ पे ओ ए की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ओ से ए तक, और ओ बी की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन सेम है दोनों की, सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए, लाइट वेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे ही आ गए हमारे पास लाइट वेक्टर्स। फिर हम देखते हैं कि क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर भी है। इक्वल तो नहीं है ना बेटा, क्योंकि देखो इक्वल के लिए तो फर्स्ट कंडीशन लेंथ ही सेम नहीं है। ओ ए इज नॉट इक्वल टू ओ बी, दिख रहा है यहाँ से डायरेक्ट, तो इक्वल नहीं हुए, ठीक है। बट अगर इक्वल है तो लाइक होंगे, बट अगर लाइक वेक्टर्स हैं उनका कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही बने, हो सकता है इक्वल आ जाए। इक्वल के लिए लो, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ये पॉइंट मान लिया ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये ए वेक्टर है, ये एल, ये ले लिया। या फिर अलग से ना बना लो, यही बता दूं मैं आपको, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है तो कैसे हो जाएंगे लाइक, ठीक है। इक्वल है तो लाइक वेक्टर बनेंगे, लाइक वेक्टर है तो इक्वल वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं, वो डिपेंड करेगा। डायरेक्शन तो सेम होगी लाइक पे, है ना, बट ये डिपेंड करेगा कि उनका जो स्पॉट है वो क्या हो, सेम और पैरेलल हो, पहली कंडीशन तो। और दूसरी कंडीशन क्या, लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पॉट की अगर मैं बात करूं जो, तो स्पॉट तो या तो सेम होगा या पैरेलल होगा, अगर डायरेक्शन सेम है तो। डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ लाइक वेक्टर की डेफिनेशन में कि डायरेक्शन सेम है ना। तो डायरेक्शन अगर सेम हो गई तो जो स्पॉट होगा वो या तो सेम होगा या फिर अलग पैरेलल हो सकते हैं बस, है ना, तभी डायरेक्शन सेम हो सकती है। तो सिर्फ एक कंडीशन रह गई कि उनकी डिस्टेंस क्या हो, इक्वल सेम हो, है ना। अगर सेम डिस्टेंस सेम लेंथ हो गई दोनों वेक्टर्स की तो लाइक वेक्टर क्या बन जाएंगे, इक्वल, अदरवाइज इक्वल। ये